अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स ऑफ द एनग्रेव्ड कैलीग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द वाइट पेंट। नाउ अप्लाई द थिन लेयर ऑफ द वाइट पेंट विद द हेल्प ऑफ द पैलेट नाइफ। यू शुड नो दिस काइंड ऑफ वर्क विल बी इजी विद द ऑयल पेंट्स। वाइट पेंट लगाने के बाद अब आपने कलरफुल पेंट्स लेने हैं। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्लू और ग्रीन्स में जाऊँगी। पहले मैंने पर्शियन ब्लू और अल्ट्रामेरीन ब्लू लिया है। अल्ट्रामेरीन ब्लू इज माय फेवरेट टोन इन ऑयल पेंट्स। साथ मैं अब ये कोबाल्ट ब्लू ले रही हूँ। बेस में थिन लेयर अप्लाई करने के बाद ऊपर आपने पेंट की थिक लेयर रखनी है। मैं ब्लू और ग्रीन्स की टोन्स ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कलर्स कर सकते हैं। इवन आप कलरफुल भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए करके और टोन्स भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये कलरफुल टोन्स में भी ये अच्छा लगता है। अब आपने चेक करना है कि आपको कितने mm के कलम से लिखना है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या लिखना है और कितना बड़ा आपका कैनवस है। मेरे लिए 8 mm का कलम सही है। मैं सुभान अल्लाह लिखने लगी हूँ। आपने कलम को सही से प्रेस करके कैनवस में और फिर चलाना है। ये काम आप किसी भी हार्ड चीज़ से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बड़े साइज़ में चाहिए तो आप स्टील का स्केल यूज़ कर सकते हैं। कलम चाहिए तो मैं ये एक्रेलिक कलम यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक्रेलिक कलम है, वरना हॉर्न निप के कलम आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेम्बू वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि वो हार्ड हो। मैं खत दीवानी में कर रही हूँ। आप कोई भी खत में ये काम कर सकते हैं। सुभान में नुक्ते के लिए अब मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, तो अब मैं बड़ा कलम नहीं या स्केल यूज़ करूँगी। ये 6 inches वाला स्टील स्केल है। ग्रेव्ड कैलीग्राफी में आप डेकोरेशन के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब साइड्स पर ये डॉट्स बना रही हूँ जस्ट टू डेकोरेट द कैनवस, कि वो बिल्कुल खाली खाली ना लगे। स्केल यूज़ कर सकते हैं आप, कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर कॉम्ब, और ये डिफरेंट किस्म के स्टेंसिल्स वगैरह मिलते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं।